हे hey, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी फिलहाल आप सभी लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो गाइज आप इस वीडियो को मत देखिएगा, बिकॉज गाइज यहाँ पे मैं ऐसे पांच गेम्स के बारे में बताया जा रहा हूँ, पांच ऐसे एडिक्टिव गेम्स के बारे में बताया जा रहा हूँ, जिसे अगर आप एक बार कर लेंगे अपने फोन में इंस्टॉल, तो गाइज इस बात की गारंटी मेरी है कि आपका पेपर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। सो गाइज अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो गाइज 24 घंटे जो आप इस गेम के पीछे पागल हो जाएंगे, इसे खेलते ही रहेंगे, बिकॉज गाइज इसमें ऐसे एक दो गेम्स ऐसे भी जिसका एडिक्टेड मैं भी हूँ, मीन्स मैंने भी इसे एक बार इंस्टॉल किया, एक बार प्ले करके देखा। सो गाइज मैं अभी तक इन गेम्स को खेल रहा हूँ, और गाइज यहाँ पे अगर आप टाइम पास नहीं हो रहा, आप कहीं बोर हो रहे हैं, तो गाइज ऑन दैट केस ये गेम्स आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके टाइम को पास करने में। सो गाइज अगर आप इन पांचों गेम्स के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो पहला गेम है उसका नाम है स्किलफुल फिंगर। बेसिकली गाइस नाम से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे सारा कमाल आपके फिंगर्स का है। सो बेसिकली गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इस पॉइंट पे फिंगर टैप करना, और फिर गाइस वहाँ पे कंटिन्यूस टैप करते हुए मीन्स आपको यहाँ पर जो है एक बार टच कर देने के बाद अपने फिंगर्स को होल्ड करके रखना है। मीन्स यहाँ से आपको स्क्रीन पर से अपने फिंगर को हटाना नहीं है, और फिर गाइस यहाँ से आपको स्लाइड करते करते ये इसके जो बैरियर्स है, इसके जो एजेस है, वहाँ पे टच होने से बचाना है। और फिर गाइस यहाँ पे जो कम्प्लीटली रैंडमली जो लाइन चली जा रही है, लाइन्स के बीच बीच जो है आपको अपने फिंगर को होल्ड करके इस पॉइंट्स को लेकर के जाना है। और फिर गाइस आपको बैरियर या फिर एजेस पे कॉर्नर्स पे टच नहीं होना, अगर आप यहाँ पे बैरियर या एजेस पे टच होंगे तो गाइस आप यहाँ पे आउट हो जाएंगे। सो गाइस ये कंटिन्यूस लाइन चलती रहेगी। मेरे ख्याल से तो ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है, बिकॉज गाइस आप इसे अनलिमिटेड टाइम तक खेल सकते हैं बिना बोर हुए। दोस्तों मेरी लिस्ट में जो अगली गेम है उसका नाम है नाइफ फिट। बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको करने क्या है, नाइफ से जो है इन लॉक्स को तोड़ना है, और फिर गाइस यहाँ पे आपको कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आपको नाइफ से उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करना है। बेसिकली गाइस मेन इसका रीजन मेन तो यही है कि आपको यहाँ पर लॉक्स को तोड़ना है। जैसे जैसे आप गाइस यहाँ पर इसे तोड़ते जाएंगे, ये लेवल और हाई होता जाएगा, और फिर गाइस यहाँ पे स्पीड बढ़ती जाएगी, और फिर गाइस अगर आप ज्यादा लेवल तक पहुंच जाते हैं तो गाइस आप यहाँ पे नए नए नाइफ्स को जो है अनलॉक भी कर सकते हैं। सो गाइस मेरे ख्याल से ये बहुत ही एडिक्टिव गेम है, बिकॉज गाइस ये बहुत ही जैसे जैसे आप इसे खेलते जाएंगे ये इसका लेवल जो है और भी हार्ड होता जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ पे नाइफ्स बहुत सारे आने लगेंगे। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहले से नाइफ की काउंटिंग्स यहाँ पे दे रखी होती है कि मींस आपको इतने नाइफ से जो है इस लॉक्स को फोड़ना होता है, जिसमें कि जगह बहुत कम होती है और बहुत ही तेज वो राउंड राउंड घूम रहा होता है, जिसके वजह से हम उसे ब्रेक नहीं कर पाते। सो गाइस ये बहुत ही एडिक्टिव गेम। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगली गेम है उसका नाम है ग्लास पॉप द आइस। बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको कॉकटेल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना है, जिसके लिए आपको जो है पर क्यूब्स को जो है पर ग्लासेस में डालना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक क्यूब आपको मिल जाएगा, और फिर गाइस आपको यहाँ पे टैप कर करके क्यूब्स को जो है पर ग्लास में डालना है। मीन्स एक ही क्यूब को जो है आपको धीरे धीरे करके ऊपर क्यूब में डालते जाना है, और गाइस यहाँ पे जो ये क्यूब जो है यहाँ पर ग्लास में लगेगा, अगर ये लाइंस पे टच हो जाते हैं तो गाइस आपका यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा। और फिर गाइस यहाँ पे आपको कुछ बूस्ट अप्स भी मिलते जाएंगे, लाइक किसी ग्लास में स्प्रिंग लगा होगा या फिर क्लिक किसी ग्लास में स्टार्स लगा होगा, जो कि आपको बूस्ट अप दे देगा और डायरेक्टली आपको कुछ ज़्यादा लेवल्स पे पहुंचा देगा। और गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा, बट गाइस बहुत ही एडिक्टिव गेम है, यूनिक से इसका ग्राफिक, और फिर गाइस 30+ चैलेंजिंग लेवल्स आपको यहाँ पर इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और फिर गाइस जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाएंगे, क्यूब्स तो खैर वही रहेगा, इन ग्लासेस की जो है साइज रिड्यूस होते जाएंगे, मींस ये ग्लासेस की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। और फिर गाइस यहाँ पे इस गेम को एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि गेम को खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली बस आपको यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको बनाना है कॉकटेल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्रेजी ग्लासेस और कप्स में आपको आइस क्यूब डालना है। सो गाइस ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव गेम। दोस्तों मेरी लिस्ट में जो अगली गेम है उसका नाम है इम्पॉसिबल रोड। बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको एक बॉल मिलती है, और फिर गाइस आपको इस बॉल को जो है रोलर कोस्टर से जो है रोलर कोस्टर पे लेकर जाना है और वहाँ से नीचे नहीं गिरना है। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि नाम आप देख सकते हैं इम्पॉसिबल रोड है, मीन्स यहाँ पे इस रोड पे अपने इस बॉल को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जो है रोलर कोस्टर टाइप का जो रोड है, यहाँ पे आपको बॉल को डायरेक्टली लेकर के जाना है, और गाइस अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो गाइस आप यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगे। और गाइस बट गाइस यहाँ पे जो नीचे गिरते हुए का जो सीन दिखता है ना गाइस, वो सीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। फिर गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक ब्लैक टाइप का आपको थीम देखने को मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन इन टाइप के कुछ थीम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और फिर गाइस यहाँ पे अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो मेरे ख्याल से गेम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है खेलने में, यूनिक सा मिनिमल इलास्टिक स्टाइलिंग टाइप की एक गेम है। और कंट्रोल की बात करें तो भाई गाइस सिंपल कंट्रोल है, आपको लेफ्ट साइड पर टैप करके लेफ्ट साइड जाओगे, राइट साइड जाना है तो राइट साइड पे टैप करना है, बस आपको बस यही टच कंट्रोल है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है खेलने में। बट गाइस आप यहां पर इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
और फिर गाइज आप जैसे जैसे इसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और फिर ये रोलर कोस्टर जो है लंबा होता जाएगा। सो गाइज मेरे ख्याल से तो खेलने में बहुत ज्यादा यूनिक गेम है ये। लिस्ट में जो अगली और लास्ट गेम है उसका नाम है जिगजैग। बेसिकली गाइज अगर इस गेम की बात करें तो गाइज बहुत ही अमेजिंग गेम है, बिकॉज खेलने में भी डिफिकल्ट है और फिर खेलने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल ही सिंपल से कंट्रोल से है, बस आपको टैप करना है, बस वही कंट्रोल है। और फिर गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इस बॉल पे स्टे रहना है, मतलब आपको इस बॉल से नीचे नहीं करना है, गिरना है। और इस बॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जिगजैग करना पड़ेगा। मींस गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं जिगजैग टाइप की लाइनिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक्चुअली लाइन तो नहीं कहेंगे इसे, वॉल कह सकते हो आप। जिगजैग टाइप की वॉल आपको दिख रही है और फिर गाइज आप सिंगल टैप में लेफ्ट जाएगा, सिंगल टैप में राइट जाएगा, आपको लेफ्ट राइट कहीं भी साइड कहीं पर भी टैप नहीं करना, बस सिंपली आप जहां पे अपने फिंगर को रखे रख लीजिए, बस आपको सिंगल टैप करना है, फर्स्ट टैप में लेफ्ट, सेकंड टैप में राइट, ऐसे करके जो आपको कंट्रोल करना है जिगजैग टाइप से करके जो है आपको अपने बॉल को बिल्कुल ही एंड तक लेके जाना है। जब तक आप इसे खेलते रहेंगे तब तक ये बॉल जो है जाती रहेगी और जितने आगे तक आप जाएंगे उतने आगे तक ये बॉल जाती रहेगी और लेवल्स हार्ड होता जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। कुछ इस तरीके के थे हमारे ये पांचों गेम्स जो कि गाइस अगर आप अपने फोन में एक बार कर लोगे इंस्टॉल, सो गाइस यहां पे आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और गाइज आप इस गेम के बिल्कुल ही एडिक्टेड हो जाएंगे, मीन्स आप इस गेम को खेलते ही रहेंगे। सो गाइज अगर आपको कोई भी गेम पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके हमें उसका नाम बताएं, और गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।